नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज मैं लेने जा रहा हूं उस भोसड़ी वाले बाबा की, जो ज्ञान बड़ा पेलता है लेकिन मुंह से जब बोलेगा तब संडास ही निकलेगा। एक दूसरे को चोर बताना, मंचों पर इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ कुछ न बोलना, जमीन पर कोई आंदोलन खड़ा न करना, केवल चुटकुले छोड़ना, और उसमें नंबर वन है आप नंबर वन है, सबसे ऊपर आप है। मान भी उतना बड़ा नहीं है, अमित शाह का सम्मान उतना बड़ा नहीं है, मोहन भागवत का और पुष्पेंद्र जी मोहन भागवत का सम्मान उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। ये क्या हिजड़ो ऐसी बातें हैं? अगर तुमने बच्चे पैदा अब नहीं करे तो भगवान भी महादेव अवतार लेकर, हमारे समाजी तो अवतार को मानते नहीं, लेकिन भगवान महादेव भी अवतार लेके आज हिंदुओं को बचा नहीं सकते, क्योंकि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होना है। और लोगों ने नंगे सच को स्वीकार नहीं किया तो धरती पर महादेव भी अवतार लेकर अब सनातन को बचा नहीं सकेंगे। बोलता है अपने आप को हिंदू रक्षक, तो आइए एक हिंदू रक्षक का आज बलात्कार करते हैं, उसके निकले हुए शब्दों का थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू कराते हैं और देखिए किस तरह से इन जैसे चूतिए हिंदुओं को चूतिया बना रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया महिलाएं और बच्चे ये वीडियो ना देखें, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे भी ऐसा कुछ बनाते हुए और इन जैसे भोसड़ी वाले बाबाओं के पिछवाड़े ठोकूंगा। तो जरा सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हमने तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूरी है कहना कि गांधी नाम की गंदगी के कारण आज कालीचरण महाराज को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, माँ और महादेव उनका समूल विनाश करेंगे। गांधी के बारे में कालीचरण जी महाराज ने जो कहा, हम 100% उससे सहमत हैं और हर परिस्थितियों में कालीचरण जी महाराज के साथ हैं। अगर ये बाबा जो हिंदुओं को कहता है, अगर यही मैं कह दूं तो बवाल हो जाए, लेकिन बाबा ने बकायदा भगवा अगवा पहन के चंदन ओंदन लगा के हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं ने अपनी करवा ली है, वो सही लगेगा, उसका पैर धो के उसका गोटा सहला के लोग चरणामृत समझ के पी जाएंगे। लेकिन वही विनय दुबे बोले कि ऐसे चूतिए तुमको चूतिया बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। जरा सुनिए बाबा ने हिंदू माताओं को कितना खूबसूरती से वर्णन किया है, जरा देखिए। मत करो चमकागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माचुदवाली, मत करो चमकागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माचुदवाली। और आज भी इनके फॉलोवर ऐसे हैं जो इनका गोटा सहलाकर इनको चरणामृत पीकर अपने सर माथों पे लगा के इनको घुमाएंगे। हिंदू रक्षक यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन्होंने अभी अभी अपने खूबसूरत मुखार बिंदु से हिंदुओं को कहा कि हिंदुओं तुमने अपनी माँ, लेकिन चल जाएगा क्योंकि ये भाई भगवा पहने हैं, टीका लगाए हैं, ऐसे ऐसे हिंदू रक्षक हमारे देश में पैदा होते रहेंगे तो हिंदुओं को किसी और की जरूरत नहीं है चूतिया बनने के लिए। ऐसे बाबा बैठे हैं जो आपसे पैसा भी लेंगे, आपको इमोशनल चूतिया भी बनाएंगे और आपका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। पूरा जीवन हिंदुओं के दान पे काटा है, 23 साल हो गए, एक पैसा नहीं कमाया, केवल भीख मांगी है और खाया है। अब मैं औरों की नहीं कहता, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं 23 साल हो गए, 23 सालों में हिंदुओं के दान को खाया मैंने, हिंदुओं के दिए हुए कपड़े पहने मैंने, हिंदुओं के दिए हुए पैसों से गाड़ियों में घूमा मैं, आज क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? पुष्पेंद्र जी बात को समझिए, मेरे शब्द हो सकते हैं कड़वे हो लेकिन ये सच है। अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए तू तो बड़ा सुपरस्टार निकला बेटा, एक बात बता भड़वे, तू पैदाइशी ऐसा था कि अभी अभी ऐसा हो गया? क्योंकि तेरे पिछवाड़े जो रेमानी कीड़ा जंप मार रहा है ना, तूने ये समझ लिया है कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुओं को चूतिया बना के सत्ता हासिल कर सकता है तो मैं हिंदुओं को हिंदू के नाम पे बेवकूफ बना के कुछ तो कर ही लूंगा। और जितने तेरे तेले चपाटे हैं ना, उन तमाम भड़वे और भोसड़ी वालों को बोलना चाहूंगा, तुम अपनी माँ और बहने इसके पास भेजते होंगे, माँ और बहने हमारी सस्ती नहीं है जो इस तरह से आके किसी को भी हिंदुओं को गाली दे देगा। ये भोसड़ी वाला, इसकी इतनी औकात है ये गाली देगा हिंदुओं को? जो खुद भड़वा कांग्रेस के दल्ले पे पड़ा हुआ, विदेश में जाके अपनी मरवा के वापस आया हुआ, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया ये चूतिया, तो अब भगवा पहन के टीका लगा के हिंदुओं को गाली दे देगा, वो चल जाएगा। और जो भी भोसड़ी वाला कमेंट में गाली देगा, समझ जाना उसकी माँ या बहन को गुफा में भेजा था इसके पास बाबा ने, बाबा के पास, तभी ये भड़वा उसकी चवावाई और उसका गोटे सहला रहा है। क्योंकि इन जैसे चूतियों की वजह से और इनके फॉलोवरों की वजह से ना, हम जैसे हिंदुओं का सर झुक जाता है। एक संत को कभी आपने इस तरह की भाषा बोलते सुना है
कि हिंदुओं ने अपनी माँ करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवा ली। इसकी माँ का सुनो, इसकी माँ का भोसड़ा, ये सारा संतों का शब्द है, ये साले एक गली के गटर साहब कुत्तों का शब्द है। और तेरा कुत्ते को भी अगर मैं तुझे कुत्ता बोलू ना तो कुत्ते का अपमान हो जाएगा बड़वे। तो कम से कम अपने जो वस्त्र पहना है, अपना जो भगवा है, अपना जो टीका है, अपना जो रुद्राक्ष की माला, उसका तो शर्म कर भोसड़ी वाले। कम से कम अगर गाली देना तो आ ना नॉर्मल, जैसे हम लोग देते हैं छाती ठोक के तेरे जैसे चूतियों को, वैसे आ, कम से कम हमारे अपमान मत कर। तेरे जैसे चूतिये जब तक रहेंगे ना, हमारा देश बर्बाद ही होते रहेगा। और इस्लाम, इस्लाम का दूध नहीं उखाड़ सकता। ये मुसलमान हिंदुओं को खा जाएंगे, ये हम पिछले 23 साल से लोगों को समझा रहे हैं। मैं केवल इस्लाम के जिहादियों को टारगेट करता हूँ, जो मोहम्मद के मानने वाले हैं, मोहम्मद के चेले हैं, कुरान पे चलते हैं, केवल उन्हें टारगेट कर रहा हूँ। मैं किसी विशेष वर्ग को टारगेट नहीं कर रहा। मैं तो ये मानता हूँ, देखिए, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, और ये जो अपराधी हैं, जो दूसरों की बहू बेटियों को छीनना चाहते हैं, जो दूसरों की हत्या करना चाहते हैं, दूसरों की संपत्ति को लूटना चाहते हैं, जिनका 1400 साल का इतिहास केवल इसी चीज का है, मैं उसके खतरे के बारे में अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। क्योंकि ये देश जो है ना, ये सेकुलर है। तेरे बाप जो बैठे हैं ना दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, उनको बोल जाके संविधान से सेकुलरिज्म हटा ले, उसके बाद आना बात करना हिंदू राष्ट्र और बकलाना ढेमकाना की। हम भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सबके साथ। तेरे जैसे चूतिये नहीं है हम कि अपने आप को बांट दे, इस देश के संविधान को तोड़ दें। तुम जैसे चूतिया हमेशा लात खाते रहे हो और लात खाते रहोगे। तुम सिर्फ नौटंकी करो, किसी भी हिंदू भाई को लाके मंदिर में खड़ा करा दो, बोलो कि देखो दो मुसलमान आए हैं मेरी हत्या करने। तेरे को मारने के लिए क्या जरूरत है रे, तू खुद भिकमंगा मरा हुआ इंसान है, तेरी आत्मा मरी हुई साले। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की द्रोही है वो 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जो अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। तू भीख मांग के काम चलाने वाला, हिंदुओं को चूतिया बना के पैसा ऐंठने वाला, उससे अपना घर चलाने वाला तू। अब मैं औरों की नहीं कहता, आप मेरी बात लीजिए। मैं 23 साल हो गए, 23 सालों में हिंदुओं के दान को खाया मैंने, हिंदुओं के दिए हुए कपड़े पहने मैंने, हिंदुओं के दिए हुए पैसों से गाड़ियों में घूमा मैं। आज क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूँ?